हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं टेक्नोटेक की बातें। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Redmi Note 9 Pro Max के बारे में। Redmi Note 9 Pro Max फुल कैमरा एंड यहां पर सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छे प्रोसेसर के चिप के साथ ये आता है, जो कि है Qualcomm Snapdragon 720G जी, मतलब गेमिंग। एंड यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको डॉट नॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, मतलब आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इन डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है कैमरा, जो कि है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कुछ। एंड यहाँ पर आपको सिनेमेटिक व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 3D कट ग्लास आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ट्रिपल क्या होता है वो मैं आपको स्क्रीन पर चलने के बाद बता दूंगा कि ट्रिपल का मतलब मैं क्या बता रहा था आपको। एंड यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे कैमरा सेटअप के साथ आता है। आपको क्वाड कैमरा तो मिलता है, लेकिन आपको स्क्वायर कैमरा देखने को मिल जाता है। जैसे आपको मैं स्क्रीन पे चल के दिखाऊंगा उसकी इमेज, आप देख लेना, बिल्कुल ही अच्छे स्क्वायर कैमरा के साथ आता है। बहुत ही अच्छा डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको 3 कलर देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक है, ब्लू है, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है व्हाइट। एंड यहाँ पर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर ऑरोरा ब्लू देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ग्लेशियर व्हाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्लैक देखने को मिलता है। वो कलर मुझे याद नहीं है, मैं चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और कलर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक है। यहाँ पर ट्रिपल कलर के साथ ये फोन आता है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ट्रिपल कहाँ पर लगा हुआ है वो आपको मैं चल के बताऊंगा। एंड यहाँ पर आपको 3D कर्व देखने को मिल जाता है फोन 3D कर्व्ड ग्लास के साथ। यहाँ पर मतलब आपको राउंडेड फोन देखने को मिल जाता है, एकदम अच्छे से कर्व्ड किया हुआ। एंड बाकी सारी चीजें मैं बताऊंगा। बहुत ही अच्छी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छी सेल्फी, बहुत ही अच्छी कैमरा, बैक कैमरा एंड रियर कैमरा, बहुत ही अच्छा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि साइड माउंटेन कैमरा दिया गया है। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है यहाँ पर, मतलब आपको जो आपका पावर बटन रहेगा वही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड फिंगरप्रिंट सेंसर ही आपका पावर बटन रहेगा। तो चलिए चलते मोबाइल स्क्रीन पर, उधर ही बताऊंगा मैं इस फोन के बारे में। हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं Redmi Note 9 Pro Max को। यहाँ पे बात कर लें इसके प्रोसेसर की एंड यहाँ पर कैमरा की, तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मतलब आपको सर्कुलर कैमरा नहीं देखने को मिलता, आपको यहाँ पर एकदम स्क्वायर टाइप कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर स्क्वायर कैमरा देखने को मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, Qualcomm Snapdragon 720G। एंड बाकी सारे फीचर्स बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसका एक छोटा भाई भी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम Redmi Note 9 Pro नाम है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं मिलते, उसमें भी आपको Qualcomm Snapdragon 720G देखने को मिलता है। बस यहाँ पर आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है प्रो मैक्स में, एंड वहाँ प्रो में आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। ऐसे छोटी छोटी यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। और कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी उसमें भी मिलती है एंड इसमें भी मिलती है। तो आप लोग सोचेंगे कि अब उसका रिव्यू मैं नहीं लेके आया क्यों, तो उसका भी रिव्यू मैं 14 तारीख को कर दूंगा एंड वीडियो लाइव हो जाएगी 14 तारीख की सुबह को। तो आप बात कर लें यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स की, तो ये 25 तारीख से आपको अवेलेबल हो जाएगा 12 बजे, आपको 12 नून को देखने को मिल जाएगा 25 मार्च को। और जो 9 प्रो यहाँ पर आया है, 9 प्रो Redmi Note 9 Pro, उसको आपको 17 मार्च से आपको 12 नून को उसकी भी पहली सेल लाइव हो जाएगी। अब बात कर लें इसके कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा अराउंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। Qualcomm Snapdragon 720G यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है आपको। 30 वॉट का फ्लैश चार्जर देखे, फास्ट चार्जर इन बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, मतलब बॉक्स में ही आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिल जाती है। 2+1 माइक्रो स्लॉट एक्सपांड अप टू 512 GB तक, मतलब यहाँ पर आपको दो सिम कार्ड भी लगा सकते हैं, एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं, जो कि आप 512 GB तक वाला लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलता है, मैंने कुछ देर पहले अभी बताया था। ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास
फाइव का सपोर्ट मिलता है। बात कर लें कि ट्रिपल में कैसे मिलता है, वैसे तो आपको ये 3D कर्व्ड बैक देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से आपके हाथ में ये बैठ जाता है फ़ोन। अब बात कर लें यहाँ पर आपको 3 कैसे मिल जाता है, तो इसमें आपको बैक में देखने को मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट एंड बैक में भी, एंड यहाँ पर इसके कैमरा के ऊपर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट। बात कर लें इसकी बैटरी की, तो 5020mAh की शानदार बैटरी इसमें लगी हुई है। बात कर लें यहाँ पर कैमरा की, तो 64MP का प्राइमरी कैमरा यहाँ पर दिया गया है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, यहाँ पे 5MP का माइक्रो कैमरा दिया गया है, 2MP का डेप्थ सेंसर यानी कि आपको ब्लर फोटो लेने वाला दिया गया है। बात कर लें यहाँ पर नाइट मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर 64MP प्राइमरी कैमरा वाली फोटो आप देख सकते हैं कितना जूम कर सकती है आपको यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में अल्ट्रा वाइड एंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप 5MP माइक्रो देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो स्टिक्स का यहाँ पर एच भी देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टिक जो यहाँ पर है, जो मतलब यहाँ पर रखी हुई है स्टिक, वो आपको यहाँ पर एच भी देखने को मिल जा रहा है देखने को, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात कर लें यहाँ पर AI पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पीछे बैक में कितना ज़्यादा ब्लर हो गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात कर लें 32MP की इन डिस्प्ले सेल्फी की, तो यहाँ पर आप उसकी भी क्वालिटी देख सकते हैं। सेल्फी नाइट मोड की बात कर लें, तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। बात कर लें वीडियो प्रो मोड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आप वीडियो प्रो मोड निकाल सकते हैं। प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G, जिसका इसमें आपको जो ग्राफिक्स मिल जाती है वो क्वालकॉम एड्रिनो 618 CPU मिल जाता है आपको यहाँ पर। गेमिंग प्रोसेसर एक देखने को मिल जाता है, 33 वॉट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। स्टैंड बॉडी मतलब 25 आपको यहाँ पर 21 दिन तक का आपको यहाँ पर स्टैंड बॉडी टाइम देखने को मिल जाता है। अगर आप फ़ोन वैसे ही चार्ज करके 100% चार्ज करके रख देते हैं तो आपका फ़ोन 21 दिन में डिस्चार्ज होगा बिना टच किए। बात कर लें यहाँ पर म्यूज़िक हेडफोन के साथ, मतलब म्यूज़िक आप हेडफोन के साथ सुनते हैं तो आपको यहाँ पर 210 घंटे आपका फ़ोन चल सकता है। बात कर लें यहाँ पर वोल्टी, यहाँ पर आप 19 घंटे तक आप वोल्टी में अपने फ़ोन को चला सकते हैं। गेमिंग की बात कर लें, तो यहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन गेमिंग कर सकते हैं, 14 घंटे तक आपका फ़ोन चल जाएगा। इसमें आपको बहुत ही शानदार बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 5020mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 0 to 50% 33 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो आपके फ़ोन को 30 मिनट के अंदर 50% चार्ज कर देता है। बात कर लें यहाँ पर डिस्प्ले की, तो 6.67 inches की टॉट नॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है आपको। इधर बिल्कुल व्यू देखने को मिलता है, फ्रंट व्यू बिल्कुल आपको यहाँ पर, जैसे आप देख रहा होगा सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोनों को, यहाँ पर सैमसंग नोट 10 यहाँ पर देखा होगा आपने, वहाँ पर आपको एक डॉट देखने को मिल जाता है, तो वैसे ही बिल्कुल डिज़ाइन दी गई है इसमें भी। 20:9 का एक्सपेक्ट यहाँ पर सिनेमेटिक स्क्रीन दी गई है, यहाँ पर 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो सिनेमेटिक स्क्रीन यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्क्रीन लग रही है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर ही इसका पावर बटन है, पावर बटन ही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। 2+1 सिम कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मतलब आप 2 सिम कार्ड एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं 512 GB तक। P2i नैनो कोटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, स्प्लैश प्रूफ रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स फीचर, P2i स्प्लैश प्रूफ नैनो कनेक्टिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 ईयर तक आपको नंबर 1 ब्रांड देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर 1 ईयर तक आफ्टर सेलिंग सर्विस इन इंडिया, मतलब आपको 1 साल तक सेलिंग के बाद, मतलब आपको फ़ोन ख़रीदने के बाद 1 साल तक आपको वारंटी देखने को मिल जाती है, एंड 6 महीने तक आपके बॉक्स में जो एक्सेसरीज मिलेंगी 33 वॉट का फास्ट चार्जर या बाकी सब, उसकी वारंटी मिल जाती है। बात कर लें इसके प्राइस की, तो 6+64GB वाला, मतलब 6GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है 14,999 रुपये का। 6GB+128GB का रोम जो यहाँ पर आता है वो आता है यहाँ पर 16,999 रुपये का, एंड यहाँ पर जो आखिरी वाला इसका वेरियंट है 8/128GB, तो वो आता है 18,999 रुपये का। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। वहीं पे आपको मैं 14 तारीख को लेके आऊँगा एक नई वीडियो जो कि आएगी रेडमी नोट 9 की। कल 13 तारीख को एक वीडियो आने वाली है जो कि आएगी, आपको देखने को मिलेगी, जो आ रही है
Redmi Note 8 Pro vs Realme 6, क्योंकि दोनों में ही एक जैसा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, MediaTek Helio G90T वाला। तो कल वो वीडियो आ जाएगी एंड परसों आपको देखने को मिल जाएगा Redmi Note 9 Pro की वीडियो। तो यही थी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं, जो भी गलतियां होंगी माफ़ कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में।